हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत सर टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर, और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। टॉपिक वही रहेगा हमारा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। तो पिछले दो पार्ट्स में क्या क्या हमने पढ़ा है एक बार उस पर बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने जो एल्जेब्रा से रिलेटेड, या ये कही कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड टर्म्स को हम लोग पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमने ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कवर किया था, साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी किया था। बट कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो मतलब हमने सेकंड पार्ट में कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो उनको हम लोग इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और फिर जो हमारा सेकंड टॉपिक है इसमें का डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, फिर इसको इसमें शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग जो उसमें के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ए और बी और सी का एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और उस वैल्यू का यूज करके हमें ये जो एक्सप्रेशंस दिए हैं उनका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये एक मोनोमियल है और ये दूसरा एक मोनोमियल है, और दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछले पार्ट में, ठीक है। तो हम लोग उसी जैसे हमने सीखा है उसको यूज करके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं और जो गिवन है वो लिख देते हैं। जैसे गिवन ए इज इक्वल टू -3, बी इज इक्वल टू 1/2, सी इज इक्वल टू -4। तो बेसिकली ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा वेरिएबल है ए बी सी जिसका कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं कि वेरिएबल्स का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, वो चेंज होते रहता है। तो इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है -3, बी की वैल्यू है 1/2 एंड सी की वैल्यू है -4। तो चलिए हमने ये वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर लिया, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3ab मल्टीप्लाइड बाई -7abc। सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, जो कोएफिशिएंट्स जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हैं उनको उनसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए 3 है और यहाँ -7, तो 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 हो जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग वेरिएबल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए बी सी है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, और सी तो अपना सिंगल है तो वो वैसा ही रहेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, -21 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। अब हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, अब हम लोग ये जो वैल्यूज दिए गए हैं उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। तो लिख देते हैं नाउ पुटिंग ए इज इक्वल टू -3, बी इज इक्वल टू 1/2 एंड सी इज इक्वल टू -4। -21 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -21 इंटू ए स्क्वायर मीन्स -3 टू द पावर 2, बी स्क्वायर मीन्स 1/2 टू द होल पावर 2, एंड सी तो अकेला है तो इसकी प्लेस पे -4 रख देंगे। अब हमने क्या किया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना तो हम लोग जानते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को हमने बहुत ही सॉल्व किया है पिछले क्लासेस में, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फिर से। तो अभी पहले क्या करते हैं, हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, जितना भी स्क्वायर वगैरह लगे हैं पावर्स लगे हैं उनको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -21 ये रहेगा इंटू -3 टू द पावर 2, ध्यान दीजिएगा निगेटिव का जब स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है आपको पता होगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ 1/2 मतलब का होल पावर स्क्वायर है ना, 1/2 का होल पावर 2 है, तो 1 का भी स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये -4 है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका, आप अगर ध्यान देती है 4 और ये 4 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर -21 है, 9 है, 1 है और -1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 है, तो ये एक नेगेटिव नंबर ये है और एक नेगेटिव ये है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या जो पॉजिटिव, मतलब रिजल्ट जो हमारा आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है, ये पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे 21, 9, 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, 21 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं
9 1 9 9 2 18 189 हो गया आंसर। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना हमने सीखा हुआ है, और मल्टीप्लाई करने के बाद बी और सी की वैल्यू, यहाँ पे ए तो है नहीं, तो बी और सी की वैल्यू रखनी है और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो इसको आप करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक बाइनोमियल है और ये भी एक बाइनोमियल है। कैसे बाइनोमियल है? इसमें दो टर्म्स हैं, है ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें दो टर्म है, एक एक्स और एक माइनस है। इसमें कौन से दो टर्म है? इसमें मतलब कितने टर्म है? इसमें भी दो टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो एक बाइनोमियल को एक दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना तो हमने सीखा ही था। कैसे करेंगे हम लोग इसको, देखते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली आपको करना है क्या, थोड़ा प्रैक्टिस वर्क करना है। रूल्स तो हम जान गए हैं कैसे करते हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। चलिए फिर से हम उन रूल्स को रिपीट करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बाइनोमियल है जिसके दो टर्म है, और यहाँ भी एक बाइनोमियल है जिसके दो टर्म है। तो हम पहला जो बाइनोमियल है उसके पहले टर्म को इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और ये माइनस एट एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, यही रूल था कि हम लोग का जो पहला बाइनोमियल या जो भी पॉलिनोमियल हो उसके सभी टर्म को सेकेंड पॉलिनोमियल के सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग अभी फिलहाल क्या किए हैं, एक्स को एक्स स्क्वायर प्लस फोर और फिर एट को एक्स स्क्वायर प्लस फोर से मल्टीप्लाई करने के फॉर्म में लिखे। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो एक्स को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर थ्री। आप जानते हैं मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है, तो वन प्लस टू थ्री प्लस। अब इसी x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू फोर क्या हो जाएगा, 4x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब माइनस आए तो वहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाना, ठीक है ना, क्योंकि जब माइनस रहता है तो साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं 8 को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, वो माइनस का ध्यान नहीं देते, जबकि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस एट है, ये एट नहीं है, ये माइनस एट है। तो माइनस एट में जब प्लस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, मतलब माइनस 32 हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट के पहले आपको माइनस नजर आए आपको थोड़ा वहाँ अलर्ट होकर मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही ध्यान देना है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस एट इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस एट एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस एट इंटू प्लस एट, तो माइनस प्लस माइनस 32 हो गया। अब हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें देखना है कि क्या कोई ऐसा टर्म है जो सिमिलर है, तो ऐसा तो कोई टर्म है नहीं। यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 32, तो कोई भी इसमें लाइक टर्म्स है नहीं, सबके अलग अलग पावर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिस मतलब हाईएस्ट पावर को पहले, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, और फिर लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म को। तो अरेंज करने पर ही एक्स क्यूब पहले रहेगा, ये माइनस एट एक्स स्क्वायर बाद मतलब सेकंड नंबर पे कर देते हैं। तो जब भी किसी टर्म को हम लोग लेफ्ट या राइट करेंगे तो ध्यान रखेंगे उसका सिंबल जो है, साइन जो है वो बदलना नहीं चाहिए। यहाँ माइनस में है तो इधर भी माइनस रहेगा, ये प्लस फोर एक्स इधर जाएगा तो प्लस फोर एक्स लिख दीजिए, और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया इसका पहला का, ठीक है ना। सिमिलरली अब आप यहाँ सेकंड नंबर क्या करेंगे, अब इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि ये डेसिमल्स में दिया गया, बस इतना ही प्रॉब्लम आएगा, बाकी जो रूल है वही है। मैं इसे आपको एक थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.1x इंटू 0.29y स्क्वायर प्लस 0.1x इंटू 0.3yz एंड माइनस, माइनस है यहाँ पे तो माइनस प्लस माइनस 0.1x इंटू 0.6zx। अब 0.1 में 0.29 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना है इसको और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.029 कैसे हुआ, तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे दो डिजिट है, तो 29 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 29 ही होगा, लेकिन टोटल तीन डिजिट होना चाहिए डेसिमल पार्ट में, तो हम लोग एक अपने तरफ से जीरो लगा दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। सिमिलरली अब इसमें इसे मल्टीप्लाई करें तो 0.1 इंटू 0.3 0.03 हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब ये माइनस
0.1 × 0.6 = 0.06 x zx है ना, तो x दो बार हो जा रहा है कि यहाँ आ रहे क्या एक्स स्क्वायर जेड, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो कैसे मल्टीप्लाई हो तो एक बार आप चेक कर लीजिए, 0.29 में 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 9 = 2 × 0। ठीक है, फिर 0 0 0 ऐड करेंगे तो 9 2 0 0। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3 डिजिट है तो 1 2 3 पहले आप एक डिजिट लगा देंगे तो क्या आ गया 0.029 आ गया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये सब आंसर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बड़ा बात नहीं था, बस थोड़ा डेसिमल नंबर आ गए हैं तो कई बार स्टूडेंट्स गलतियाँ कर देते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आपको क्या करना है, रूल्स वही अप्लाई करना है, फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन की तरह मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल है तो डेसिमल की तरह मल्टीप्लाई करना है, इंटीजर्स है तो इंटीजर्स की तरह। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वैसे तो हम लोग पिछले पार्ट में समझ ही गए थे। अब एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है ये, तो ए रिक्रूटमेंट फॉर्म हेल्प्स यंग ग्रेजुएट्स इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। रिक्रूटमेंट फॉर्म मतलब एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसा संस्था, एक ऐसा कंपनी मान लीजिए जो भर्ती कराती है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती कराना, और किसको भर्ती कराने में मदद करती है, बेसिकली हेल्प करती है, यंग ग्रेजुएट्स मतलब जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तुरंत अभी ग्रेजुएट हुए हैं, 1 साल 2 साल हुआ हो, ऐसे लोगों को उनके एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार दिलाने में मदद करता है ये फॉर्म। अब इफ द फॉर्म कॉल्ड A+B+C ग्रेजुएट्स, अब फॉर्म ने कुछ ग्रेजुएट्स मतलब जिन्होंने अभी भी या ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो कंप्लीट किया है या ग्रेजुएशन का डिग्री जो प्राप्त किया है, उनको जो बुलाया उनका नंबर क्या है, A+B+C, A+B+C ग्रेजुएट्स को बुलाया है। और ये जो A+B+C ये जो नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हैं ये भी जाके फर्दर A+B+C पर्सन्स को कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है ना, उन्होंने भी जाके फर्दर कॉन्टैक्ट किया, तो फाइंड द हाउ मेनी पीपल गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एम्प्लॉय मतलब कितने लोगों को रोजगार मिलने का अवसर मिला, इसका नंबर बताना है। तो ऑब्वियसली जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हम A+B+C की जगह पे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 8, मान लीजिए 8 ग्रेजुएट्स को बुलाया और हर एक ने फिर 8 और को कॉन्टैक्ट किया, तो एक ने 8 को किया तो 8 ने कितने करेगा, 8 × 8 = 64 को, मतलब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिखें हम कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, या सिंपली लिख देते हैं हम लोग द नंबर ऑफ पीपल गॉट द अपॉर्चुनिटी, द नंबर ऑफ पीपल गॉट द अपॉर्चुनिटी। क्या करें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर यहाँ पे 8 होता, इधर भी 8 होता, तो 8 में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो जो अगर एक्सप्रेशन दिया होता है एक्सप्रेशन को भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहला हमारा एक्सप्रेशन है A+B+C और सेकंड एक्सप्रेशन भी है A+B+C, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, बेसिकली यहाँ पे देख रहे हैं आप कोई बीच में साइन नहीं है, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो रूल क्या है, हमारा जो पहला पॉलिनोमियल है उसमें 3 टर्म्स हैं, दूसरे में भी 3 टर्म्स हैं, तो रूल क्या है कि इसके जो पहला टर्म है तीनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब A × A+B+C प्लस, अब फिर प्लस बी है तो ये प्लस बी का भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये जिसका थर्ड टर्म है प्लस सी, इसका भी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमने उस चीज़ को नोट डाउन कर लिया है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, A × A² A × B (AB) प्लस A × C (AC) अब यहाँ पे देखिए B × A लिख सकते हैं या AB भी लिख सकते हैं, अब जानते हैं मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो बी ए लिखी चाहे ए बी, बात बराबर है, प्लस B² + BC। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ए सी लिख सकते हैं या सी ए लिख सकते हैं, प्लस BC + CA². तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया, अब क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं या देखते हैं कि अगर कुछ सिमिलर टर्म्स हैं तो उसको पहले जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे A² है, अब AB एक यहाँ पे है और एक यहाँ भी है, तो AB और AB क्या हो गया 2A, और यहाँ पे एक AC है और यहाँ पे एक CA है, तो CA कहिए या AC कहिए बात बराबर है, तो इसको 2CA कर देते हैं हम लोग। साइक्लिक ऑर्डर में ध्यान रखिएगा लिखने के लिए,
तो साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, तो सी ए हो गया, साइक्लिक ऑर्डर में लिख दिए। अब ये भी हो गया, अब प्लस क्या बचा है यहाँ पे, बी सी और बी सी, टू बी सी। अब प्लस ये बी स्क्वायर छूटा है और सी स्क्वायर छूटा है, लिख दीजिए। अब थोड़ा सा इसी को अरेंज कर लेना, मतलब स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब बी के ए बी के बाद बी सी आता है, तो इस टू बी सी को पहले लिख दे रहे हैं और टू सी ए को लास्ट में लिख दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सी ए और बी सी को हमने चेंज किया है, सी ए की जगह पे बी सी को लिख दिया और इसको लास्ट में कर दिया, अरेंज हो गया है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को पहले लिख दिए, टू ए बी को उसके बाद, फिर टू बी सी को, फिर लास्ट में टू सी ए कर दिए। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बना, ये एक्सप्रेशन किसके लिए बना है, द टोटल नंबर ऑफ नंबर गॉट द अपॉर्चुनिटी, नंबर ऑफ पीपल गॉट द अपॉर्चुनिटी। कैसा अपॉर्चुनिटी, टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट, टू गेट एन एम्प्लॉयमेंट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो इट्स ऑब्वियस, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब ये है एक सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, जो भी गिवन है वो करेंगे। तो देखिए यहाँ भी हमारा एक मोनोमियल है और एक बाइनोमियल है। मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों से करेंगे, मतलब माइनस वन बाई टू एक्स इंटू थ्री वाई जेड माइनस माइनस वन माइनस वन बाई टू एक्स इंटू माइनस टू जेड एक्स, यही है। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वन बाई थ्री वाई इंटू थ्री जेड एक्स, ये प्लस है राइट, वन बाई थ्री वाई इंटू थ्री जेड एक्स प्लस अगेन वन बाई थ्री वाई, है ना, मतलब इसका 1 बाई थ्री वाई का एक बार इससे हो गया, अब इसका 9xy से करेंगे। अब सिमिलरली फिर यहाँ पे 1 बाई फोर जेड इंटू टू एक्स वाई और प्लस 1 बाई फोर जेड इंटू माइनस एट वाई जेड। तो मैंने इसको ब्रैकेट्स ओपन कर लिए हैं, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसके आगे का आप करेंगे खुद, ठीक है, थोड़ा केयरफुली करेंगे, इजीली हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा केयरफुली बस करना है। नेक्स्ट, अब ये तो बहुत सिंपल है, इसको तो आपको खुद करना चाहिए राइट, ये आप खुद कर सकते हैं, बस इसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो माइनस यहाँ पे आ रहा है ना, बस इसी से सावधान रहना है, इससे अगर आप बच गए तो आपका आंसर क्विकली आ जाएगा, और यहाँ अगर आप नहीं ध्यान दिए तो फिर आपका आंसर आना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो आप इसको प्रयास करें, वैसे बहुत सिंपल है। करना क्या है भाई, अगेन इस ए का इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस माइनस बी का सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस तरह से यहाँ ए को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान रखें माइनस से पहले, तो साइन थोड़ा चेंज होता जाएगा। ट्राई करें इसको, है ना, इसको आप ट्राई करें। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो लेट मी ट्राई इट। थ्री बाई फोर एक्स माइनस फोर बाई थ्री वाई इंटू टू बाई थ्री एक्स प्लस थ्री बाई टू वाई। तो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट बहुत सिंपल है ना। इसमें कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, दो ही टर्म है, और इसमें भी दो टर्म है, तो मतलब एक बाइनोमियल का दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। बहुत सिंपल है, पहला हो गया थ्री बाई फोर एक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू बाई थ्री एक्स प्लस थ्री बाई टू वाई से, है ना, मतलब ये जो है इसको हमने इस वाले बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर हम लोग माइनस फोर बाई थ्री वाई, इसी को हम लोग फिर इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब इसका दोनों से कर लेते हैं, अब
मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3/4x इंटू 2/3x प्लस 3/4x इंटू 3/2y माइनस 4/3y 2/3x अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, बचा 1। यहाँ पे आपका कोई कैंसिल नहीं होने वाला है, यहाँ पे भी आपको कोई कैंसिल नहीं होने वाला है, और यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 टाइम्स में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 1 ज़ा 1 1/2x² प्लस 3 3 ज़ा 9/8xy माइनस 8/9xy एंड माइनस 2y². अब आप ध्यान दें यहाँ पे, तो ये एक एक्स वाई और ये एक एक्स वाई, ये लाइक टर्म्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे अब हमको इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ऐड होगा इसको समझ लीजिए। तो मैं अब इसके आगे का जो पार्ट है उसको नेक्स्ट पार्ट में करना पड़ेगा, या यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके एक आगे हम लोग मार्क कर दे रहे हैं स्टार, अब यहाँ स्टार से शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 1/2x², ये तो अकेला है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। अब ये दोनों हमारे क्या है, लाइक टर्म्स हैं, राइट, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इसको हमें ऐड करना है। तो अगर आप ध्यान दें तो ये 9/8 और 8/9 है, तो 8 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 8 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं, प्लस है तो प्लस का साइन दीजिए, 8 और 9 का एलसीएम 72 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 8 में 72 से डिवाइड करेंगे तो 72 में 8 से 9 आएगा, उस 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81xy। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, सिमिलरली प्रोसेस करेंगे तो 8 8 64xy हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या बच गया, -2y², इसको ऐसे लिख देते हैं। अब 1/2x² प्लस 81 में 64 माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 17 होगा आई थिंक, राइट, तो 17xy/72 - 2y² यही हमारा हो गया आंसर। ओके, अब आप यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने यहाँ पे एक्स वाई थोड़ा साइड में लिखा, तो ये 9/8xy का मतलब है 9xy/8, मैंने ये एक्स वाई 9 के साथ है, तो वही हम लोग क्या किए हैं, 9 9 से जब 81 हुआ तो 81 के साथ ही एक्स वाई रहेगा। और जब दोनों ये लाइक टर्म्स है, न्यूमरेटर की बात करें तो ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, ये और ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, 81 में से 64 सब्ट्रैक्ट किया तो 17 हो गया। ठीक है, तो यही यही था, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको फ्रैक्शंस डेसिमल्स का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है अगर आप समझते हैं कर पाते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे आप। ठीक है, अब एक नेक्स्ट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे क्या है, 3 3 है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने 3 3 वाला बनाया था, तो इसको आप खुद करेंगे। अब एक assertion reason based question आ गया है, तो सिंपल ही है, कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा, यहाँ भी हमें वही करना है जो हम कर रहे थे। ठीक है ना, तो देखिए ये options दिए गए हैं, जैसे both assertion and reason दोनों अगर correct हो और रीज़न आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो एसर्शन ए का, इस पर तो हमने कई बार ऑलरेडी चर्चा किया है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन जो रीज़न स्टेटमेंट है वो अगर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है तो बी ऑप्शन होगा, फिर अगर ए करेक्ट है रीज़न रॉन्ग है तो सी, और दोनों ही ए अगर रॉन्ग है और रीज़न करेक्ट है तो डी होगा। दोनों ही रॉन्ग के सिचुएशन में तो अभी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, अगर रॉन्ग वाला होता तो उसी को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि एसर्शन ए और रीजन आर क्या दोनों ट्रू स्टेटमेंट है या दोनों फॉल्स हैं, या कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, हमें चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ है हमारा एसर्शन ए, दिस इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसके बराबर आ गया मतलब हमारा एसर्शन ए सही होगा।
ए को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 2x 3x प्लस 6 प्लस 5 3x प्लस 6, तो मल्टीप्लाई 2 3 जस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15x प्लस 30, ठीक है, सिंपल है। हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई किए इसमें इससे, फिर इसमें इससे, फिर इसमें इसमें और इसमें इसमें। अब यहाँ पे देखिए दो को x वाला टर्म आ गया, तो इसको प्लस कर देंगे 6x स्क्वायर प्लस 12 और 15 एक्स। अब देखिए तो ये हमारा राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है, तो क्या पता चला हमें, दिस इज करेक्ट। अब आर देखिए, तो आर में आपका दिया है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो एक फॉर्मूला होता है वैसे आप याद रख सकते हैं, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है, और यहाँ पे क्या है एक्स प्लस ए बी, तो ऐसे ही। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा देते हैं, अगर एक्स स्क्वायर है भी तो भी ये इसमें बीच वाला टर्म मिसिंग है, इसका मतलब कि ये जो है रॉन्ग है, तो एक करेक्ट और एक रॉन्ग हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, एक करेक्ट और एक रॉन्ग किस ऑप्शन में था, करेक्ट एंड रॉन्ग ऑप्शन सी, यहाँ पे लिख देंगे क्लियरली ऑप्शन सी इज आंसर, ठीक है, या आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो भी हो सी हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो अब यहाँ पे एक है ऐड करना है, ठीक है, ये और एक ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, इनको ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, तो चलिए पहले हम लोग लिख देते हैं सॉल्यूशन, वही चीज़ है, पहला एक्सप्रेशन को लिख दीजिए 3y 2xy माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसको हमने लिख दिया। अब इसको लिख देते हैं 4x 5yz माइनस 2z प्लस 3y, ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, इनको प्लस करना है, तो प्लस का साइन दे दे रहे हैं बीच में, ठीक है ना, क्लियरिटी रहना चाहिए कि ये अलग है और वो अलग है, दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने से पहले तो हम लोग इनको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड नहीं है, तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 3y को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3y को 2xy से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जस्ट 6, x 1 है और y 2 है, तो y का पावर 2। अब हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, है ना, अब हम लोग 3y को yz से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, अब 3 में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 1 जा 3, y 1 है यहाँ y 1 है, तो y 2 हो गया और z 1। अब यहाँ 2 का मतलब स्क्वायर, आप 2 का मतलब 2 मत समझिएगा, मैं 2 बोलूँ y 2 है मतलब y स्क्वायर है, ठीक है, समझने के लिए मैं बस बोल रहा हूँ प्लस। अब 3y जेड एक्स, अब यहाँ पे 1 है, 1 3 जा 3, वाई यहाँ पे है, यहाँ पे वाई है ही नहीं, एक्स जेड है, तो आप मिला कर लिख दीजिए एक्स वाई जेड ऑर्डर में, पहले एक्स आता है फिर वाई आता है फिर जेड आता है, ठीक है, रीडिंग ईजी रहेगा। अब ये आपका पहला का प्रोडक्ट हो गया, अब प्लस सेकेंड, इसी तरह से आप यहाँ पे हम कर रहे हैं क्विकली, 5 4 20 एक्स वाई जेड प्लस 4 माइनस 2 माइनस 8 एक्स जेड प्लस 4 प्लस 3y 12 एक्स वाई हो गया। आप देखिए तो कोई कॉमन आ रहा है इसमें, यस ये और ये कॉमन लग रहा है, ओके। तो अब आप बाकी को तो हम जोड़ नहीं सकते, केवल वही दोनों जुड़ेंगे, तो ये 6xy स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड प्लस 3xyz एंड 20xyz क्या हो जाएगा, 23xyz माइनस 8xz प्लस 12xy, xy भी कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो यही हो गया हमारा मतलब एडिशन का रिजल्ट, ठीक है। अब हो सकता है आपका आंसर में टर्म्स थोड़ा इधर उधर हो, वो हो सकता है, बट इट्स ओके, आपका आंसर यही सभी टर्म्स होने चाहिए, ठीक है ना, तो यही करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या किए हम लोग, बस ऐड करते समय बस ध्यान देना है कि कौन लाइक टर्म्स है, सिर्फ लाइक टर्म्स जुड़े हैं, 3xyz और 20xyz जुड़ के 23 हो गया, बाकी सब एज इट इज हमने लिखा है, ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट। तो ऐड दिस टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, तो ये आप खुद कर सकते हैं, क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, 3 × 2y माइनस 4x मल्टीप्लाइड बाई 2 × 5x माइनस 10z,
इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसमें फिर इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे। तो इसको आप ट्राई करें, बहुत ही सिंपल है ये, इसको जब आप करेंगे आसानी से कर पाएंगे, है ना। अब वैसे भी जब तक आप खुद अपने से नहीं करेंगे आपके लिए थोड़ा क्लियर नहीं हो पाएगा ना, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इन टॉपिक्स पे। ओके नाउ अब डिवीजन, तो हम लोग अभी डिवीजन जो है वो अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि पहले आप थोड़ा मल्टीप्लीकेशन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, उनको अच्छे से समझ लें, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बुक में या कहीं भी उसको सॉल्व कर लें, उसके बाद हम लोग डिवीजन शुरू करेंगे। ओके तो आज के लिए इस वीडियो में तय रहने देते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम लोग सीखेंगे डिवीजन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।